नमस्कार, फोर सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हां, मैं लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। फिर वही किराएदार बनाम मकान मालिक की लड़ाई से संबंधित है। आपने देखा कि एडवर्स पोजीशन कानून का लाभ या मकान मालिक की गलती का लाभ किराएदार कैसे उठा सकता है पिछली वीडियो में। आज पुनः एक वीडियो लेकर आया हूं जहां मैं बात करूंगा कि अगर आप किराएदार हैं और आप किराए के मकान में, दुकान में या किसी भी संपत्ति में काबिज हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अधिकार विहीन हैं, सुरक्षा विहीन हैं, कानून आपकी तरफ नहीं है और मकान मालिक अपनी मन मर्जी कर सकता है। तो किराएदारों के भी अपने अधिकार हैं, अगर संपत्ति मालिक के अपने अधिकार हैं और किराएदारों के वो क्या कानूनी अधिकार हैं, इसी पर आज का हमारा यह एपिसोड आप तमाम सूरी दर्शकों को समर्पित है। तो सबसे पहली बात जो इसमें समझनी है कि अगर मकान मालिक, देखिए किराएदार भी जब मकान किराए पे लेता है तो प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन देता है, या मकान से मेरा मतलब संपत्ति है, दुकान है तो आगे के वीडियो में भी अगर मैं मकान बोलूं तो संपत्ति है, वो व्यवसायिक हो सकती है, वो रिहायशी हो सकती है, तो उसमें उसके पैसे खर्च होते हैं, वो कमीशन देता है, समय लगाता है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आता है, फिर उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, स्टैंप ड्यूटी में वो आधा शेयर करता है, तो बड़ी मुश्किल से उसका एक खर्च करने के बाद उसको एक घर या एक दुकान मिलता है जहां वो 4-5 महीने उसको ठीक करता है, उसमें शिफ्टिंग करता है और वहां रहना शुरू करता है और मकान मालिक तंग करना शुरू कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके क्या कानूनी अधिकार हैं, हम इन्हीं की बात यहां करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मकान मालिक किराएदार को एक ऐसा साफ सुथरा सुंदर जो रहने योग्य, मानव जीवन के रहने योग्य घर है वह देना पड़ता है या देना चाहिए। यह किराएदार का कानूनी अधिकार है, मतलब उस घर की संरचना ठीक हो, संरचनात्मक स्ट्रक्चरली वो मजबूत हो, मानव निवास के लिए उपयुक्त हो, उसमें कीट पतंगे गंदगी ना हो, पानी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा हो, यह किराएदार का अधिकार है, यह हक है और इसकी अवहेलना होने पर वो मकान मालिक को कोर्ट तक खींच सकता है। दूसरी बात जो अक्सर देखने आती है कि मकान मालिक या किराएदार अपने किसी आर्थिक विवाद या आर्थिक उलझनों में फंस गया और ऐसी स्थिति में वह बिजली और पानी का बिल जमा नहीं करा पाया, तो ऐसा अक्सर देखने पे आया है या ऐसा अभी देखना गया है कि मकान मालिक चाहता है कि किराएदार संपत्ति खाली करके चला जाए और जब उसकी सारी प्रक्रिया और धमकी फेल हो जाती है तो वो पानी और बिजली काट देता है। यह गलत है, किराएदार इसके खिलाफ मकान मालिक को कोर्ट में ले जा सकता है। किसी भी हालत में किराएदार अगर पानी और बिजली नहीं दे रहा है तो मकान मालिक को यह हक नहीं है कि उसका पानी और बिजली वह काट दे। यह कार्य या तो नगर निगम के अधिकारी करें या फिर जो सेवा प्रदाता है, जो यह बिजली दे रहा है या पानी दे रहा है, यह उसका काम है और मकान मालिक का काम नहीं। तीसरी बड़ी समस्या इस डोमेन में जो आती है कि अचानक एक दिन मकान मालिक आता, कहता है जी आप घर खाली कर दीजिए, तो साहब ये भी नहीं कर सकता मकान मालिक। मकान मालिक जो भी अनुबंध है 11 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, उसके पहले वो किराएदार को जाने को नहीं कह सकता, अचानक तो बिल्कुल नहीं कह सकता। दूसरा तरीका है जिस हालत में मकान मालिक जाने को कह सकता है कि अगर जो अनुबंध है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अगर कोई दोनों ने मिल करके किसी बात पे एग्री की है तो उसके तहत वो उसको जाने को कह सकता है, या फिर वह कोर्ट का नोटिस लेकर के आए, कोर्ट से आदेश लेकर के आए, जो कि वो विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा संभव है, वो विशिष्ट परिस्थितियां
किराए का ना देना, घर को नुकसान पहुंचाना, मकान मालिक को उस प्रॉपर्टी की, वो डेंजरस बिल्डिंग हो चुकी है, रियूनियस बिल्डिंग है और वह उसको मरम्मत कराना चाहता है, या उसने मकान को किराए पर की संपत्ति को बेच दिया है, या किराएदार जो अनुबंध है दोनों के बीच में उसका उल्लंघन कर रहा है, तो इस हालत में ही वह उसको अचानक जाने को कह सकता है, वरना किराएदार को बेदखली से या बेदखली के खिलाफ भी कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है या उसका कानूनी सुरक्षा है। दूसरी बात यह है कि या तो वह सिविल अदालत जाए, अगर ऐसा मकान मालिक कर रहा है तो उस हालत में किराएदार को क्या सुरक्षा है, तो किराएदार इसमें कानून का सहारा ले सकता है, उसके कानूनी अधिकार हैं, वो सिविल अदालत में जाके मकान मालिक के इस अनैतिक मनमाने रवैये के खिलाफ केस कर सकता है, वो किराया नियंत्रण अधिकारियों रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से भी संपर्क कर सकता है, और इसी के साथ सबसे बड़ी बात है कि किराएदार को नीचता का, निजता, प्राइवेसी का अधिकार है। मसलन मकान मालिक भले उस संपत्ति का मालिक हो लेकिन मुंह उठाए वह अपने संपत्ति में प्रवेश नहीं कर सकता, विशेष परिस्थितियां हो, आपत्कालीन स्थिति हो, वो ये अलग बात है, एक आध बार ऐसा चलेगा, लेकिन अन्यथा उसको अपने किराएदार को उचित सूचना देकर उसकी अनुमति लेकर ही मकान में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है, या किराएदार का अधिकार है कि वह प्रवेश देने से मना कर सकता है। चौथी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है कि मकान मालिक क्या मनमाने ढंग से किराया बढ़ा सकता है, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। जो उस प्रॉपर्टी का बाजार में भाव चल रहा है, आसपास उस तरह की प्रॉपर्टियों का जो भाव है, उसी के आधार पर मकान मालिक किराया ले सकता है, उससे ज्यादा वो बढ़ा नहीं सकता, मनमाने ढंग से भी वह किराया नहीं बता सकता, और बिना कारण बताए किराएदार को जाने के लिए भी अनुबंध से पहले नहीं कह सकता है। अब बचती है लास्ट बात कि ये सब तो हो गई जब वो दोनों आपस में रह रहे हैं और रेंट का जो अनुबंध है वह लागू है, अब किसी भी कारण से अनुबंध के सहारे, अनुबंध के क्लाउज के बीच में मकान मालिक किराएदार को जाने को कहता है, या किराएदार सुरक्षा से नोटिस देकर अनुबंध के शर्तों के अनुसार मकान या दुकान छोड़कर जाना चाहता है, तो उस हालत में यह उसका पूरा अधिकार है कि जो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जो उसने सुरक्षा राशि डिपॉजिट की है, वह वापस मांग सकता है, अगर किसी टर्म्स एंड कंडीशंस का वायलेशन नहीं हुआ है, अगर संपत्ति में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, संपत्ति में अगर कोई नुकसान है तो उस स्थिति में मकान मालिक उसके रिपेयर की रकम उस सुरक्षा राशि से काट सकता है, और काट करके उसे सुरक्षा राशि किराएदार को वापस करनी पड़ेगी। तो इस किराएदार और मकान मालिक की दुनिया में किराएदार अकेला नहीं छोड़ दिया गया है, उसके भी अपने अधिकार हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस तरह के मुकदमों की कि अगर मकान में रहते हुए किराएदार को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी, कैसे होगी, और उस स्थिति में लैंडलॉर्ड की क्या जिम्मेवारी बनती है। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए, आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो के साथ, एक ऐसे ही एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।